नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल UNBDV पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं और बीजेपी का सुपड़ा साफ होते हुए देखते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, समाजवादी पार्टी ने पीएम मोदी की सभा में सरकारी तंत्र व धन के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त को भेजा है पत्र की है शिकायत। आप लोगों को बताते चले, समाजवादी पार्टी ने प्रधानमंत्री के प्रयागराज में हुई सभा में सरकारी तंत्र और धन के खुलेआम दुरुपयोग का आरोप लगाया है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को इस संबंध में एक पत्र भेजा है और शिकायत की है। इस पत्र में 2022 का विधानसभा चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराने की भी मांग की गई है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने आयोग को भेजे पत्र में आरोप लगाया है कि पीएम मोदी की 21 दिसंबर को प्रयागराज में हुई जनसभा में जबरन भीड़ जुटाने के लिए रोडवेज की हजारों बसों को लगाया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी की जनसभा में भीड़ जुटाने के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार ने सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, इसलिए तुरंत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार चुनाव प्रभावित करने के लिए लगातार षड्यंत्र रच रही है। यह यहां पर कहना है समाजवादी पार्टी का, इस संबंध में चुनाव आयोग को भेजा है एक पत्र। एक और बड़ी खबर बताते चले, बीजेपी के सांसद वरुण गांधी का अपनी ही सरकार पर एक बार फिर से हमला, कहा टिकट कटने के डर से पार्टी के खिलाफ नहीं बोलते हैं। कई नेता अपनी ही पार्टी के खिलाफ समय समय पर बयानों को लेकर के सुर्खियों में रहने वाले भाजपा के फायर ब्रांड सांसद वरुण गांधी ने कहा है कि टिकट कटने के डर से पार्टी के नेता जनहित के कई मुद्दों पर अपनी आवाज मुखर नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें इसका कोई डर नहीं है क्योंकि उनके परिवार ने निर्दलीय भी चुनाव जीते हैं। वरुण गांधी ने आगे कहा है कि मैं देश के हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा हूं जिसके साथ अन्याय हो रहा है। गन्ने का रेट बढ़ाने के लिए सिर्फ मैंने ही इस मुद्दे को उठाया। रेट बढ़ाने की बात कहने की किसी सांसद या विधायक की हिम्मत तक नहीं हुई। दरअसल टिकट कटने के डर से नेता पार्टी के खिलाफ बोलने से डरते हैं, ये यहां पर दो टूक कहना है वरुण गांधी का। इससे पहले निजीकरण के मुद्दे पर भी यहां पर मोदी सरकार को घेर चुके हैं सांसद वरुण गांधी। एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को, अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई है संसद। राज्यसभा के निलंबित सांसदों के साथ धरने पर बैठे हैं डेरेक ओब्रायन। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, संसद का शीतकालीन सत्र आज समाप्त हो गया है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई तय समय से एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर को शुरू हुआ जो कि 23 दिसंबर तक शेड्यूल था, लेकिन एक दिन पहले ही दोनों ही सदनों की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही दोस्तों, एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, कोलकाता नगर निगम चुनाव तृणमूल कांग्रेस की अभूतपूर्व जीत। विधानसभा चुनाव के मुकाबले 20% गिरा है बीजेपी का वोट शेयर, वाम दल भगवा पार्टी से आगे। आप लोगों को बताते चलें, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता नगर निगम चुनावों में भारी विजय दर्ज की है। इस चुनाव में जहां ममता बनर्जी की पार्टी को करीब 3/4 वोट मिले, वहीं वाम दलों का वोट शेयर बीजेपी से ज्यादा है। इन चुनावों में बीजेपी का वोट शेयर पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले 20% गिरा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, तृणमूल कांग्रेस ने इस चुनाव में कुल 144 सीटों में से 134 सीटें जीती हैं, जबकि विधानसभा चुनावों में मुख्य विपक्षी के तौर पर उभरी बीजेपी के हिस्से में सिर्फ यहां पर 3 सीटें ही आई हैं। बीजेपी का पूरी तरीके से ममता बनर्जी की पार्टी ने सुपड़ा ही साफ कर दिया है कोलकाता नगर निगम के चुनाव में। इसके साथ ही दोस्तों, एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की है तेज बहादुर यादव की याचिका, बढ़ सकती है मंत्री टेनी की मुश्किलें। बीएसएफ से निकाले गए जवान तेज बहादुर यादव ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अब स्वीकार कर लिया है। तेज बहादुर यादव ने याचिका में लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी व डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ FIR दर्ज करने की बात लिखी है, जिससे गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की यहां पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका यहां पर स्वीकार कर ली गई है। एक और बड़ी खबर बताते चलें,
स्वास्थ्य होने तक किसी और को सत्ता सौंपे उद्धव ठाकरे, बीजेपी की मांग पर बोली शिवसेना, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं मुख्यमंत्री। आप लोगों को बताते चलें, महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष विधायक चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को ठीक होने तक अपना प्रभार किसी और को सौंप देना चाहिए। और वहीं बीजेपी की इस मांग पर राज्य के एक मंत्री ने कहा है कि सीएम का स्वास्थ्य अच्छा है और किसी और को प्रभार सौंपने की यहां पर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वहीं उन्होंने आगे कहा है कि उद्धव ठाकरे अपने आधिकारिक आवास से यहां पर लगातार काम कर रहे हैं और कैबिनेट की वर्चुअल बैठकों में भी वो भाग ले रहे हैं। ये यहां पर बीजेपी की मांग पर शिवसेना ने जवाब दिया है। इसके साथ ही एक और अपडेट आप लोगों को बताते चले, ओमाइक्रॉन के खतरे के बीच राहुल गांधी ने पूछा वैक्सीन की बूस्टर डोज कब लगाएगी आखिर मोदी सरकार। आप लोगों को बताते चले, ओमाइक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर एक बार फिर से जोरदार हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि देश में कोरोना टीकाकरण अभियान धीमा हुआ है, एक बड़ी आबादी अभी भी वैक्सीनेट नहीं हुई है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने पूछा है कि ऐसे में सरकार लोगों को बूस्टर डोज कब लगवाएगी। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने जो आंकड़ा यहां पर शेयर किया है उसके मुताबिक अगर मौजूदा स्पीड से कोरोना टीकाकरण हुआ तो दिसंबर 2021 के अंत तक 42% आबादी को ही टीका लग पाएगा, जबकि टारगेट था कि साल के आखिरी तक 60% आबादी को टीका लग जाए। लेकिन यहां पर मोदी सरकार इस मामले पर फेल होती हुई नजर आ रही है। कहना है राहुल गांधी का जबरदस्त तरीके से भड़के हैं। एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें, मैनपुरी की भीड़ देख करके अखिलेश यादव बोले 22 में सपा को ऐसा बहुमत मिलेगा जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं। इसी क्रम में अखिलेश यादव मैनपुरी पहुंचे और वहीं इसके साथ ही अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि मैनपुरी ने आज की विशाल जनसभा में दर्शा दिया है कि 22 में सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि ऐतिहासिक बदलाव होगा और ऐसा बहुमत मिलेगा सपा को जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। ये कहना है अखिलेश यादव का, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव को जनता की ओर से समर्थन मिल रहा है, भारी भीड़ देखी जा रही है अखिलेश यादव की रैलियों में। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, हिम्मत है तो लखीमपुर महंगाई पेगासस जैसे मुद्दों पर चर्चा होने दे सरकार, राहुल गांधी का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर संसद में जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा नहीं कराने का आरोप लगाया है और दावा किया है कि उनको लोकसभा में लद्दाख का विषय नहीं उठाने दिया गया। उन्होंने सरकार को चुनौती देते हुए यहां भी कहा है कि अगर सरकार में हिम्मत है तो वहां महंगाई, लखीमपुर खीरी कांड, पेगासस, न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे जनता से जुड़े मुद्दों पर सदन में चर्चा होने दे। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य की मांग की है और सीमावर्ती इलाकों के चारागाह भूमि तक स्थानीय लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने के विषय पर कार्य स्थगन का नोटिस दिया यहां पर राहुल गांधी ने। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यू एंड बीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सके। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।